सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाने लिए प्रेस करो बेल आइकन। खबरों की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली तो केंद्र वालों पास किए खेती कानूनों के विरोध च किसान हुन अंदोलन करने लिए दिल्ली पहुंच चुके ने। फिलहाल अंदोलन की कोई जगह तय नहीं हो पाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा सी कि सड़क ते अंदोलन करने की बजाय किसानों नु किसी खास जगह ते अंदोलन करना चाहिदा है। अमित शाह दे प्रस्ताव ते किसान संगठन सवेरे 11 बजे बैठक करेंगे। इस तो अलावा किसान होर रणनीतियां बारे भी विचार वटांदरा करेंगे। उस तो बाद सारियां किसान जथेबंदियां दोपहर 2 बजे इकट्ठियां होंगियां। टिकरी बॉर्डर ते किसान दा विरोध प्रदर्शन जारी है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा 7 लाख लोग पंजाब तो आए ने, असी इत्थे रहांगे, सारियां सड़कां जाम करांगे, असी 6 महीनियां दा राशन लियांदा होया है। इस तो साफ हुंदा है कि किसान लंबी लड़ाई लड़न लई तैयारी करके आए ने। किसानों के जोरदार अंदोलन विचकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात राही देशवासियों नु संबोधन करेंगे। देखना है कि वो किसानों के मुद्दे ते गल करदे हन जां नहीं। दस्सयोग है कि केंद्र सरकार वल्लों पास कीते खेतीबाड़ी कानूनां नु लैके काफी दिनों तो किसान लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे ने। हालांकि यह मनिया जा रहा है कि पीएम मोदी अपने इस प्रोग्राम दे विच कोरोना वैक्सीन ते देशवासियों नू अपडेट दे सकदे ने। मन की बात दे इस एपिसोड च मोदी इस वेले देश च सब तो वड्डा मुद्दा बने किसानां बारे की कहंदे हन, सब दियां नजरां इस ते रहणगियां। साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे 551वें प्रकाश पुरब नु समर्पित पवित्र शहर सुल्तानपुर लोधी दे इतिहासिक गुरुद्वारा श्री संत घाट साहिब तो कुछ समय बाद महानगर कीर्तन आरंभ होने जा रहा है। वड्डी गिनती विच संगतां गुरुद्वारा साहिब विखे पुजियां ने, सारियां तैयारियां मुकम्मल ने। सिरसा जिले दे विच पिछले कई दिनों तों कोरोना दा कहर लगातार जारी है। अज एक होर व्यक्ति दी मौत कोरोना नाल हो जाण ते कोरोना मरण वालियां दी गिनती 105 हो चुकी है। जिला च अज 41 नवे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले ने, जिस नाल कोरोना पॉजिटिव मरीजां दा आंकड़ा 7188 हो चुका है। ए जानकारी दिंदे होए सिरसा दे डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने दस्या कि अज सिरसा जिला दी मंडी टब वाली 44 साल व्यक्ति दी कोरोना नाल मौत हुई है, जिस नाल कोरोना नाल मरण वालियां दी लोकां दी गिनती 105 ते पहुंच चुकी है। उन्होंने दस्या कि अज सिरसा जिले च 41 नवे कोरोना पॉजिटिव केस आए ने, जिन्हां नाल कोरोना पॉजिटिव केसां दा आंकड़ा 7188 हो चुका है। जिले विच कोरोना दे 460 एक्टिव केस ने, जिन्हां दे विचों 73 नूं हस्पताल दाखिल कीता गया है, जदों कि 274 व्यक्तियां दा घरां अंदर ही इलाज चल रहा है, जबकि 1226 व्यक्तियां दी रिपोर्ट आनी अजे बाकी है। अज सिरसा च कोरोना दी रिकवरी दर 92.15% रही है। उधर किसान अंदोलन दे चलदिआं इक नौजवान दी गड्डी च अचानक अग लगन कारण मौत हो गई है। ए पूरी घटना देर रात दी दसी जा रही है, जदों खराब ट्रैक्टरां नूं कुछ नौजवानां दे वल्लों ठीक कीता जा रहा सी ते अचानक इक नौजवान गड्डी दे विच जा के सो गया ते इस दे चलदिआं गड्डी दे विच शॉर्ट सर्किट हो गया ते गड्डी नूं अग लग गई ते नौजवान गड्डी च जिंदा सड़ गया। जिस तों बाद गड्डी दे शीशे तोड़ के नौजवान नूं गड्डी दे विचों बाहर कढ़न दी कोशिश कीती गई, पर अग दी लपटां च नौजवान पूरी तरह दे नाल चुरस चुक्या सी। जानकारी दे अनुसार नौजवान BKU उग्राहां दा मैंबर दस्या जा रहा है, जो बरनाला दा रहण वाला है। पिछले 7 महीनों तो बंद पई रेल सेवा अज मुड़ शुरू होने जा रही है। उत्तरी रेलवे ने पंजाब विच रेल मार्गां दी जांच आरंभ करने तो बाद रेलां नूं चालू करने दे आदेश जारी कर दिते ने, जिस तहत दिल्ली फाजिलका, दिल्ली श्री गंगानगर, हरिद्वार, बठिंडा, दिल्ली वाया सिरसा, इंटरसिटी समेत मुंबई, फिरोजपुर, पंजाब मेल, अजमेर, अमृतसर एक्सप्रेस 1 दिसंबर तो चलेगी। दस दिए कि उत्तरी रेलवे वालों रेल मार्गां दी जांच उपरांत दिल्ली रेलां चलाउण दी हरी झंडी तहत ट्रेनां आरंभ हुईआं ने। अंबाला मंडल
ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਡੀਆਰਐਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਓਐਮ ਕੋਚਿੰਗ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ZRUCC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਨਦੇੜ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਹਾਇਰੌਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਾਇਆ ਧੂਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।